जब किसी भी इक्विपमेंट में फ्रिक्शन होता है वो हमारे लिए कैसे इजिली हो जाता है और कैसे इजिली नहीं होता है। जैसे बाबा ये शंकु टाइप का दिख रहा है, इस पर किसी प्रकार का कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, तो हम क्या इसको उठा रहे हैं, हमें ये हल्का सा वेटेड लग रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास बेलन है, इस पर भी किसी प्रकार का फ्रिक्शन के लिए कोई भी खुरदरापन नहीं किया गया है, तो इसको भी हम यहाँ पे अगर उठा रहे हैं तो अभी हमें क्या लग रहा है, वेटेड लग रहा है, जबकि सबका जो वेट है वो सेम है। बट ये जो हमारे पास ये वाला बेलन है, इसके हमारे पास क्या है, कटिंग की गई है फ्रिक्शन को जनरेट करने के लिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखें तो इसकी आपको कटिंग दिखेगी। अगर हम इसको पकड़ते हैं तो हमारे पास जो ग्रिप बनती है फ्रिक्शन के कारण, ग्रिप वो जो हमारे फ्रिक्शन होता है वो कम हो जाता है और ग्रिप अच्छी बन जाती है, जिससे हमको इसको उठाने में क्या होता है, आसानी हो जाती है। इस प्रकार अब अगले इक्विपमेंट पर हम चलेंगे। तो बात करें कि यहाँ पर हम आते हैं तो ये हम देखते हैं, तो पहले ये हमारे पास जो भी ये इक्विपमेंट दिखाया जा रहा है साइंस सिटी में, ये ऐसा है कि यहाँ पर हम बात करते हैं सिर्फ अपने मनोदशा की, कि हमारी सोच क्या होती है उस पर ये रिलेटेड इक्विपमेंट बना हुआ है। इस इक्विपमेंट में क्या है, ये हमारे पास वेट है 5 किलो का, हम वेट को ऊपर उठा रहे हैं तो हमारे पास ताकत ज्यादा लग रही है। अब हमारे दिमाग में ये बात सेट हो गई कि ये वेट 5 किलो का उठा दिए, वेट लगा, और नीचे वाला वेट भी 5 किलो का होगा और ये हम उठाएंगे तो हमें 10 किलो की ताकत चाहिए उसको उठाने के लिए, तो हम जैसे इसको उठाएंगे ये जल्दी उठ जाएगा। हम 5 किलो का वेट उठाएं, ताकत लगा, तो हमारे दिमाग में ये बात सेट हुई कि हमको 10 किलो का वेट उठाना है क्योंकि हमको डबल उठाना है। बट नीचे वाला जो है ये खाली सिलेंडर है, खाली सिलेंडर के साथ उतनी ताकत लगाए तो ये हमारे पास क्या हुआ, जल्दी उठाए, ये लेट उठा बट ये आसानी से उठ गया। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर जो होती है, हमारी जो सोच होती है उस पर डिपेंड करता है कि पहले 5 किलो का उठाने के लिए ताकत ज्यादा लगती है तो 10 किलो और लगेगी, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आगे अगला इक्विपमेंट इसमें क्या है, ये टोलक है, लीवर आर्म पे ये पूरा काम करता है, पूरा प्रोसेस का लीवर आर्म का है। जब हमारे पास लीवर आर्म क्या होता है, हमारे किए गए प्रयास भुजा के पास में होता है, तब हमें क्या होता है, फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है। जैसे हम किसी भी कोई गोला हो, गोलों को क्या होता है, हमारे हाथ से खिसकाए तो हमें ताकत लगेगी, लेकिन किसी डंडे के माध्यम से अगर उसको खिसकाए तो आसानी हो जाती है, वही यहाँ पे है। अब जैसे यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारे पास लीवर आर्म हमें क्या मिला है, यहाँ पे हमें एक हिंज मिल रहा है, हिंज पॉइंट, जहाँ जिसको उठाने में आसानी होगी। अगर ये हमारे पास आता जाएगा तो हमें ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी। अभी बात करें, देखिए हम कितनी आसानी से उसको उठा दिए, बहुत आसानी से हमारे, क्योंकि हमारे पास दूर था, हमारे पास प्रयास भुजा जो थी हमारी बड़ी हो गई थी। अब प्रयास भुजा धीरे धीरे पास में आ रही है, जब ये पास में आ रही है तो हमें क्या हो रहा है, थोड़ा ताकत बढ़ाना पड़ रहा है, तो हम वही 10 किलो का वेट वहाँ पे, जो 10 किलो का वेट लगा हुआ है वही यहाँ पे भी है। अब इसके बाद हम जैसे जैसे वो हमारे और पास में आ गई, हम इस पर ताकत लगा रहे हैं। अब देखिए इस पर हम पूरी ताकत लगा दे रहे हैं लेकिन ये उठने का परिणाम नहीं ले रहा, क्योंकि इसका जो आलम है हमारे प्रयास भुजा के पास में है, ये इसका पूरा प्रोसेस था। आगे ये भी जो इक्विपमेंट है, ये भी लीवर आर्म पे ही है। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी स्प्रिंग है हम उसको कंप्रेस करते हैं, जैसे स्प्रिंग हमारे प्रयास भुजा के पास में होगी तो कंप्रेशन हमको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम इस वाले के पास में यहाँ पे दिख रही है स्प्रिंग, तो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये नहीं दब रही है। अगले इक्विपमेंट की बात करें तो हमारे पास लीवर जो हमारे पास प्रयास भुजा है वो पड़ गई है और हम फोर्स लगा रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी हमको ये दबती हुई दिख रही है। अब आगे वाले इक्विपमेंट से जाते हैं, हमारे पास प्रयास भुजा है वो काफी बड़ी हो गई है, अब इससे हमें क्या होगा, आसानी हो जाएगी इसको कंप्रेस कर देंगे, तो हम इसको कंप्रेस करके दिखाते हैं। अब देखिए ये काफी कंप्रेस हो जा रहा है, तो इसका भी जो भी प्रोसेस था वो पूरा प्रोसेस इसी पर था कि किस प्रकार से हम लीवर आर्म को का यूज करके हम अपने कम प्रयास में ज्यादा से ज्यादा कार्य प्राप्त कर सकते। ये भी जो इक्विपमेंट है पूरा वही लीवर आर्म पे ही काम करता है। हमारे पास अब जो प्रयास भुजा है बहुत थोड़ी जगह मिली हुई है, इसको उठाने में हमको बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, 20 किलो का वेट उठाने में हमें ज्यादा ताकत लग रही है। आगे इक्विपमेंट पे जाए तो हमारे पास लीवर आर्म जो भी है वो बढ़ रहा है और इसमें और भी ताकत लग रही है, मतलब जितना भी इसके पास में है वेट के आसानी से उठा ले रहे हैं, वेट से दूर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वेट उठाने में हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अभी यहाँ पे आ गए और ये वेट उठ ही नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास प्रयास करने की जो क्षमता थी लोड के जितने पास में रहेंगे किसी इक्विपमेंट के द्वारा उतनी आसानी से उठा लेंगे। डाइस दिख रही है, इसे हम बेनहम डाइस कहते हैं, और बेनहम डाइस में जो प्रोसेस है वो ये है। अभी जो भी डाइस दिख रही है उसमें हमें क्या दिख रहा है, कोई भी जो हमारे पास रेखाएं बनी हुई हैं हाफ डाइस पे बनी हुई हैं, हाफ डाइस, 1/4, 1/4, हाफ, 1/4, फिर यहाँ पे जो भी रेखाएं बनी हुई हैं ये भी आधे डाइस पे ही बनी है। बट जब हम क्या करते हैं, इसको किसी हैंडल के माध्यम से डाइस को घुमाने का प्रयास करते हैं, जैसे हम डाइस को घुमाते हैं तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये डाइस घूमती जाएगी तो हमें क्या होगा, ऐसा दिखेगा ये जो डाइस हमारे पास है ना ये पूरी तरीके से साइकिल से बनी हुई है, जैसा कि इक्विपमेंट में कुछ हल्की सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट यहाँ पे जो दिखती है डाइस जो भी अभी दिख रही है अब आपको ये देखने को लग भी नहीं रहा होगा कि इस डाइस में कहीं से कोई कटी है, बट वीडियो स्टार्टिंग में दिखाया था आपको डाइस जो आधे या हाफ पार्ट से ही बनी हुई है।